हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। उसमें लोगों का स्वागत है। छोटी सी वीडियो कर दीजिएगा लाइक से, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं आज का ब्लॉग अभी 5:25 पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमारा ब्लॉग आप देखना ना भूलिएगा। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं पूरा गाँव का दिखाऊंगी। गाँव में कैसे क्या चीज हुआ है, क्या खेती हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों नहीं हुआ है, वो मैं बताऊंगी। और हमारे यहाँ क्या चीज हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और यहाँ का बहुत गांव का नज़ारा बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे है ये लोग ले करके बैठी हुई है छोटी सी बच्ची, ये है यहाँ। कैसे मोमोज बनाए हैं वो भी, और हमारा मोमोज बन चुका है और थोड़ा सा खा लिए है, और जो हमारा मोमोज बन रहा है तो यहाँ देखो। और मैं पहली बार हमारी ये वाली चौधरी आई है घर में, मैं ये मोमोज बनाई हूँ, दिखा दो दीदी किस तरह से हमारा मोमो है, ये देखो। वाओ, हमारा मोमो बन करके रेडी हो गई है। और ये मैं ये देखो फोटो खींच लो, आयान रो रहा है खाने के लिए। हमारा मोमोज इस तरह से रेडी हो चुकी है, चटनी बहुत टेस्टी बनी है यार, बहुत ज्यादा। और इस तरह से हमारा और तड़का वगैरह बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, आज मंगलवार है तो आज का शाम का हमारा खाना इस तरह से है। और क्या चीज बनाए हैं हमारे यहाँ, रोटी बन चुकी है, तड़का है और आलू की भुजिया है, ये देखो। आ जाओ छोटी, खा लो, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं एक बार खा करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, रोटी खोलो, टेस्टी घर में खोल ले, मेला में जो हम खाए थे ना अच्छा नहीं बना था, मेला से अच्छा बहुत टेस्टी बनाए हुए हैं और बहुत यम्मी बन रहा है, लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा। आप भी खा लीजिए, आइए आयांश को देख सकते हो आप क्या कर रहा है। आंसर, चटनी में चटनी तीखी है इसलिए तड़का के साथ खा रहा है। हम लोग ना इसी में पॉपकॉर्न इसी से खाते हैं, पॉपकॉर्न बन जाती है ये वाला मकई से पॉपकॉर्न बनता है, तो पॉपकॉर्न खा सकते हैं बना करके, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे टांगा हुआ है, यहाँ पे टांग करके रखे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारे यहाँ खाना बन रहा है, ये देख सकते हो इसमें लकड़ी वाली चूल्हा पे, और हमारा कढ़ाई कैसा है। तो गांव में इस तरह से कढ़ाई होता है, पहले ज़माने में इसी तरह से बनता था, मतलब हम लोगों को ख्याल में ना ये लोहिया का कढ़ाई, मतलब क्या बोलते हैं, लोहा की कढ़ाई है इसमें बनता है, और इसमें खाना चाहिए लोहा के कढ़ाई में बना करके, इसका टेस्ट अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये देखो इसमें सब्जी लकड़ी गोईठा पर बन रहा है, चिपड़ी हम लोग बोलते हैं, चिपड़ी भी बोला जाता है, कंडा भी बोला जाता है और गोईठा भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अक्सर हम लोग चिपड़ी ही बोलते हैं, चिपड़ी और एक लकड़ी है, और खाना बन रहा है भैया देहात का खाना है, इसी तरह से बनता है लकड़ी और चिपड़ी पे हम लोग बना रहे हैं खाना, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और बैंगन और आलू, और देखो इधर मार रखा हुआ है, मार जो है ना बकरी के पिलाएंगे, बकरी मार पिएगी। और इधर खाना बन रहा है भैया, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, बहुत टेस्टी लगता है, ये देख सकते हमारे लोग खा चुका है ये मोटी वाली, इसमें सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। आइए आप भी खाइए, आप भी बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप। ओ अंजलि आ गई है ब्रश करके, अरे अंजलि जो है ना गाना गा रही है, कैसे गा रही है जी, गाना गा के सुना ना, कोई अच्छा गाना नहीं है, गाना गा दो, डांस करो तो बाबू ना, डांस करो ना, बाद में करेगा। ये हमारी बाबू कैसे खा रहा है, आयांश क्या खा रहे बाबू, क्या खा रहा है,
चोखा भात खा रहे हो। अच्छा, टमाटर के चोखा और भात ना हम आपको दिखाएंगे। ये भुंजिया बन रही है, ये देखो आलू की भुंजिया और ये चोखा और शिमला मिर्च की भुंजिया बनी हुई है। चावल हमारा बन चुका है, ये देखो शिमला मिर्च की भुंजिया, ये देखो दाल भी है। और मैं कल मोमोज बनाई हुई थी ना, ये हमारा आटा बच गया है, तो क्या करें, इधर दाल भी है, तड़का लग गया है, इसको ढक ढक के बना चुटकी। ये देखिए बाबू लोग जा रहा है गढ़वा, छुटकी। ये देखो हमारा हार्दिक जा रहा है गढ़वा, कब आएगा बाबू? छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद आएगा। और बाय बाय बाय। अब हमारा हार्दिक जा रहा है गढ़वा, फिर आएंगे हम लोग, मिलेंगे। हम लोग कहाँ आए हुए हैं, यहाँ आ चुके हैं, मसूरी का खेत में आए हैं। और मैं आ गई हूँ गाँव का, कैसा यहाँ पे मसूरी होता है, ताजा ताजा मसूरी जो दाल खाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये देखो हरा हरा, और इसको छील के दिखा जो कैसा मछली है। अरे मछली ना बाबा, सॉरी मसूरी, मसूर बोलते तो मतलब ऐसा हो चुका है, पकने वाला है, तो फागुन हो चुका है, मार्च में ही पकता है। और ये देखो तोराई वगैरह है ये इधर पूरा खेत में। तो सो फ्रेंड, तो देख सकते हो यहाँ पे आए हुए हैं मौसरी, और ये देखो तोराई है इस तरह से। और जब ये फुलाता है ना पीला पीला सरसों के खेत में, बहुत अच्छा लगता है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। और चलो मैं दिखाती हूँ, कहाँ दिखाते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे चना खेत जहाँ है ना, वहाँ दिखाते हैं चना किस तरह से हो रहा है हमारा, मतलब हमारे यहाँ गांव में चना पका हुआ है या नहीं पका हुआ है, वो दिखाएंगे। तुम सब धोने चले। तो दोस्तों यहाँ ना इस बार शायद चना नहीं पका हुआ है, और इसमें फूल अभी लग रहा है, किसी किसी में चना लग गया है, और ये शायद पीछे वाला चना है, इसकी वजह से इस तरह से है, इसमें फूल लग रहा है। तो चलो अभी तो फिलहाल नहीं है, जब होगा तो दिखाएंगे। अब लगता है कि होली में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बहुत बीते साल ना बहुत होली में ये सब कंप्लीट हो जाता था, चना वगैरह सब मिलता था बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे नहीं है अभी, इसको खा ले रहे हैं। चना के साग कौन कौन खाते हैं वो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे आए हुए हैं चना के खेत में, मैं अपने गांव में आई हुई हूँ चना का खेत दिखाने के लिए, और खाने के लिए बहुत टेस्टी लग रहा है। और फिर घर से जा करके नमक और मिर्चा लेके आते हैं और खा। तो ये देखो मीठी सी बैर है, मीठी मीठी बैर है, एक बैर और सारे लोग बीमार एक बैर और सारे लोग हम लोग हो चुके हैं बीमार। तो आधा बैर हम खाते हैं और आहा खा गए। अच्छा तब तो कासा लगा, कासा मीठा दोनों है, खट्टा मीठा कासा, अच्छा है, खट मीठी, खट मीठी बैर है। अब इस सीजन में फर्स्ट टाइम बैर खाए हैं यार, अभी फर्स्ट टाइम। दोस्तों तो देख सकते हैं चना के साग खा रहे हैं, नमक और मिर्चा बहुत टेस्टी टेस्टी लगता है, तो मैं खा रही हूँ, इसमें नमक और मिर्चा है, पता नहीं। ये देखो ऐसे मैंने नमक लिया ऐसे और लपेट लिया इसमें, चाल करिए हम रन गए, ऐसे करके और ऐसे करके डाल देना है ऐसा। तो ये देखिए अंजलि जो है ना बथुआ के साग खोट रही है ना जी, बथुआ के साग खाओगी? हमारे यहाँ बथुआ के साग बनेगा। और ये देखो छोटी भी बना रही है, खोट रही है, मतलब हम लोग तोड़ रहे हैं साग को, मिला मिला के तोड़ रहे हैं, चोरी कर रही है भैया साग चोरी करने, साग चोरनी। और जिसका जो मालिक आएंगे ना, मार मार के भगा भगा के डंटाए आएंगे बब्बा। ये देखो हम लोग साग चोरी कर रहे हैं, अभी साग खोटने का सीजन नहीं है और फिर भी लोग चोरी कर रही है। तो चलो कोई नहीं, मैं चना के साग नहीं खोट रही हूँ,
ये क्या बथुआ का साग खोट रहे हैं। बथुआ का साग खाने में बहुत अच्छा है, विटामिन्स भी है बहुत, दो तीन प्रकार की बीमारी का भी ये होता है, ठीक है। तो आपके पास बथुआ है तो बथुआ का साग, अगर चना का साग नहीं है तो बथुआ का साग भी बना करके आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। बथुआ का साग हो गई और पालक मिला करके, और इसमें क्या बोलते हैं, टमाटर डाल दीजिएगा, लहसुन मिर्चा प्याज अदरक करके डाल दीजिए, ऐसे ही जब बॉयल होता है ना तभी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ट्राई करी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, ठीक है आपको। और हमारा ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलो कैसे बनाती है वो भी हम दिखाएंगे आपको। अब हम लोग जा रहे हैं घर, साग वगैरह खोट लिए हैं, ये देखो साग वगैरह खोट चुके हैं और पूरा खच्चर है, नहीं दिखाई पड़ता पूरा। हम लोग साग वगैरह खोट करके, इतना सारा साग खोती है, ये देखो दिखाई दे रहा है या नहीं। चलो चलते हैं, पैर हाथ धो लेते हैं, काफ़ी कीचड़ थी यार इसमें, और जा करके खाना वगैरह बनाएंगे और कैसा बनता है साग भी आपको दिखाएंगे। और ये देखो मुनगा की फूल, यहाँ देखो इस तरह से मुनगा की फूल है यहाँ पे, यहाँ पे